4:15 के आसपास और हम अंबिकापुर पहुंचने वाले, और भैया दह पराठा पे पराठा, दह पराठा पे पराठा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज नहा धो के हो गया मैं रेडी सुबह 7 बजे, और आज निकलना है हमें सीजी के लिए। तो चलते हैं, पैकिंग वगैरह भी हो गई है, तो राहुल भैया को अभी उठाया मैंने, तो वो भी चलेंगे आज। तो चलते हैं, पहले नीचे चाय नाश्ता कुछ करते हैं, फिर भागते हैं फटाक से, क्योंकि जितना जल्दी निकलेंगे उतना जल्दी पहुँचेंगे हम। तो चलते हैं गाइस ट्रिप पे। तो आइए किचन में देखते हैं क्या बना है। ये बन रही है चाय, और ये इधर मेथी का पराठा, मेथी का पराठा और चाय। तो फ्रेंड्स, इधर आ गए हम गंगा घाट के ऊपर, और निकल गए हम इधर सीजी के लिए, और राहुल भाई भी आ गए हैं साथ में। उधर काफ़ी ट्रैफिक था इसलिए व्लॉग स्टार्ट यहाँ से करना पड़ रहा हमें, और कोहरे की दशा आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। धूप तो अच्छा खासा है, लेकिन फॉग कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। फॉग की वजह से नदी थोड़ी थोड़ी दिख रही है गंगा। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या पोजीशन है। अभी तो पूरा रास्ता बाकी है। तो ये हाईवे पे चल रहे हैं हम, ये सीधे रोड चली जाती है भैया मिर्ज़ापुर की तरफ, लेकिन हमें यहाँ से कट हो लेना है नारायणपुर की तरफ, जो कि सीधे हमें ले जाएगी अंबिकापुर छत्तीसगढ़। ये आ गया कट, यहाँ पे लिखा हुआ है नारायणपुर, तो यहाँ से कट हो लेते हैं, और ये नहर वाला रास्ता पकड़ के। हाँ ओपन तो किया, यहाँ ओपन कर दिया लोगों ने, कोई नहीं चलते हैं। तो ये आ गया मेरा पहला टोल हमारा, और मेरा एप्पल चल रहा है, और भैया का क्या खा रहे भैया? मेथी पराठे। अच्छा, मेथी पराठे, क्या बात है। दीदी ने दिया है, भैया के दीदी ने दिया है, जो कि मेरी मम्मी है। पराठे शुद्ध देसी घी से निर्मित, पौष्टिक और काफ़ी अच्छा, और फ्रूट्स मुझे आज धो के मिले हैं, लास्ट टाइम बिना धोए मिले थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और चलते हैं गाइस, गाड़ी आगे वाले जाने वाली है, चलते हैं। तो इधर ले लेते हैं चाय। क्या भैया? ना सुबह का मौसम। तो आ गए इधर हम यहाँ पे, अभी रॉबर्ट्सगंज का स्टार्ट है, और यहाँ पे चाय मिलती है काफ़ी सही। तो पीछे पहाड़ काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, और ये अभी बाकी लोग जो हमें देख रहे होंगे सोच रहे होंगे कि हम सेल्फी ले रहे हैं, जो कि सेल्फी वाला काम हम कभी नहीं करते, कभी भी नहीं करते। मतलब इतनी उम्र हो गई है, लेकिन आज तक एक सेल्फी तो लिया नहीं है मैंने कभी भी, ना लूँगा। और ये भैया को नींद आ रही है, कमर में दर्द। ये मिल गई हमें आज की दूसरी चाय सुबह के बाद, तो बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर भी पीने लायक, पीते हैं पहले फिर चलता है आगे। आ गए हम इधर वादियों में, रॉबर्ट्सगंज की वादियों में। धूप के साथ साथ कोहरा भी है, लेकिन काफ़ी सही व्यू आ रहा है, नहीं भैया? और इधर खेत में सरसों लगी हुई है, और काफ़ी सही व्यू आ रहा है, और ये देखना पहाड़ को काट के बीच में से रोड बनाया गया है, और काफ़ी सुंदर लग रहा है ये व्यू, बहुत सही आता है, काफ़ी सही। काफ़ी सही, काफ़ी सही। तो फ्रेंड्स, टाइम हो गया है दोपहर का 2, और टंकी हो गई हमारी फुल, और किलोमीटर हम आ गए हैं कितना, 189, मतलब 200 के आसपास, 190, और पहुंच गए हम यहाँ पे यूपी और सीजी के बॉर्डर पे। 4-5 किलोमीटर में बॉर्डर आ जाना है। तो आज काफ़ी टाइम लग गया हमें बॉर्डर पहुंचने में, क्योंकि सुबह हम निकले लेट, काफ़ी आधा घंटा 40 मिनट लेट है, बहुत लेट भी नहीं है, लेकिन टाइमिंग ठीक है हमारा। हमको लग रहा है 4-5 बजे तक अंबिकापुर तक पहुँच जाएंगे भी हम लोग, नहीं जो रूट हम लोग को बढ़िया वाला जो मिला है वहाँ से, 5 बजे पहुँच जाएंगे आराम से,
कोई नहीं, चलते हैं फिर, चल के चाय वगैरह पीते हैं कहीं पर, देखते हैं अगर। तो फ्रेंड्स इधर हमारे आसपास काफ़ी ट्रक वगैरह भी जा रही हैं, तो अभी एक बहुत ही सही चीज़ लिखा था ट्रक पे, जो कि भैया ने पढ़ा। वो नॉर्मली वैसे लिखा रहता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला है, लेकिन अभी इस पे जो लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, बुरी नज़र वाले तू जहर खा ले। तो मतलब भैया पूरा मतलब माँ बहन कर रखी है इन्होंने, मतलब कुछ भी लिख के चले आ रहे हैं भाई। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला तक तो समझ में आ रहा है, और बुरी नज़र वाले तू जहर खा ले, मतलब बात यहाँ तक आ पहुँची है कि मतलब अगर आपकी बुरी नज़र है तो आप जहर खा लीजिए। वाह सही बात है। तो और भी काफ़ी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें पड़ी हुई हैं, मतलब लिखी हुई हैं ट्रक पे, तो काफ़ी इंटरटेनमेंट होता रहता है हमारा रास्ते में। तो सही है, बढ़िया है, तरक्की है, सब लोग तरक्की करें, सब बढ़ें। तो आ गए फिर से हम उसी घाटी में, इसे घाटी कहते हैं यहाँ पे, और काफ़ी ख़तरनाक घाटी होती है ये, और इस घाटी को एक्सीडेंटल जोन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन फील पूरा पहाड़ों वाला देता है। नहीं आप देख सकते हैं उधर, मतलब पूरा पहाड़ वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, और रोड ख़राब मिलना हमें स्टार्ट हो गया है अभी से, और काफ़ी गंदा रोड ख़राब मिलने वाला है आगे, लेकिन व्यू बहुत सही रहता है इधर का, मतलब पूरा पहाड़ों वाला, जैसा लग रहा है कि पहाड़ों में घूम रहे हैं उधर उत्तराखंड साइड में। नहीं देखिए इतने पहाड़ होने के बाद भी, मतलब ज्योग्राफिकल रीजन के वजह से ये एरिया गर्म है, नहीं तो कितना सही रहता, मतलब अगर ये भी ठंडा रहता तो पूरा पिकनिक स्पॉट आप देख सकते हैं, बीच में झील भी है। वाह रात में ठंड होती है, कम होती है इधर, हाँ लेकिन ठीक है। लेकिन एक बात तो है राहुल भाई, इधर जैसे सीजी में एंटर करते ही तो जंगल की शुरुआत मतलब हो जाती है अच्छी खासी, मतलब इतने जंगल, मतलब इतना घना जंगल है, मतलब अगर दोपहर के टाइम भी आप देखेंगे तो यहाँ पे मतलब काफ़ी शांति, मतलब बिल्कुल डरावनी शांति रहती है। अगर अपने पास फोर व्हीलर ना हो तो बाइक से आने में तो सारा गर्म हो जाएगा। नहीं देख सकते हैं, देखिए दोनों साइड, मतलब जिसको बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ के बीहड़ जंगल, तो यही है जंगल, अंदर कितना भी अंदर चले जाएं वो पता नहीं चलेगा, मतलब बहुत अंदर अंदर, और जगह जगह पे लिखा ही हुआ है हाथी विचलित क्षेत्र, हाथी विचरण क्षेत्र, विचरण और भालू विचरण क्षेत्र, देख सकते हैं आप काफ़ी। ये लकड़ियाँ भी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के हिसाब से, मतलब ये कटती हैं फिर और बिकती हैं। इसमें अधिकतर तो वाले पेड़ हैं, कौन से यहाँ पे तो सरई बोलते हैं, सरई पलाश, नहीं पलाश नहीं, ये जिससे वो बनता है ना अपने यहाँ जो वो प्लेट्स और वो पत्तल जो नेचुरल वाले पत्तल और दोना, पत्तों से जो प्लेट्स और दोना वगैरह बनता है, वो यहीं से सारी पत्तियाँ मतलब जाती हैं मैक्सिमम, और उन्हीं के पेड़ जंगल में काफ़ी हैं, मैक्सिमम पेड़ वही हैं, आप देख सकते हैं A to Z पूरे के पूरा का पूरा जंगल वही बनाया गया है, काफ़ी सही है। रोड काफ़ी थोड़ी सी सही मिलती है, मतलब आगे थोड़ा सा गड़बड़ है, अंबिकापुर के पास ही तक थोड़ी, वाड्रफ नगर आ रहा है, हाँ वाड्रफ नगर के बाद थोड़ा ख़राब मिलेगा, वाड्रफ नगर तक तो खूब अच्छा है, मतलब बॉर्डर से वाड्रफ नगर तक रोड काफ़ी सही रहता है, लेकिन वाड्रफ नगर क्रॉस करते ही बहुत ही ज़्यादा बकवास सड़क मिल जाएगी, आपको दिखाएंगे आगे, हाँ आपको चल के दिखाते हैं आगे, लेकिन उसके आगे फिर हमें शॉर्टकट मिल गया है, लेकिन 30-35 किलोमीटर तो बकवास रास्ते पे हमें रहना ही पड़ेगा, मेन जो रोड खराब हो तो मिलेगा ही रास्ते में, हाँ वो मिल जाएगा रास्ते में, कोई नहीं चलता है। तो गाइज ये आ गए हम इधर सोनू भोजनालय के पास, यहीं से गाड़ी टर्न है, जो कि आपको सीधे इस रोड पे ना जाने के वजह है इस पे आप जाएंगे, तो ये थोड़ा सा आगे जाके मेन अच्छे वाले रोड मिला देगा, जो आपको घंटे भर मुझे लगता है 40 मिनट में पहुंचा देगा, पहुंच जाएंगे अंबिकापुर बहुत जल्दी, एक घंटे में तो बस वो वाला रोड पहुंचना है हमें, वो रोड मुझे लग रहा है कि 15-20 मिनट में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये सोनू भोजनालय से ही टर्न होना है, जो कि चंदौरा थाना के आगे है, बहुत सही। टाइम हो रहा है 3:30 के आसपास, 4:15 के आसपास, और हम अंबिकापुर पहुँचते आ रहे हैं, और भैया दे पराठा पे पराठा, दे पराठा पे पराठा,
भिड़ाए हुए हैं मेथी पराठा आज, मतलब शाम तक इनको मतलब पूरा पेट साफ करने का मतलब इनका ये है मेन एम, मेन मोटो। इन्होंने खा लिया ना इसने, मेरे को नहीं खा रहा। आप भैया को देख सकते हैं मतलब कितना प्रेम से मोहब्बत से भैया पराठा खा रहे हैं। भैया ही खा रहे हैं, वीडियो बना रहे हो तो खाए ही नहीं। खाने के बाद हमारा वीडियो बना रहे हैं। अपने फटाक से खा लिया फिर मेरा वीडियो बना रहे हैं। और क्या, लेकिन ये मतलब ये पूरा आप ये देख सकते हैं ये पूरा डब्बा, इसमें कम से कम 22 पराठे थे जिसमें से मैंने 2 पराठा खाया और अभी डब्बे में 4 पराठा और बच रहा है, तो आप समझ सकते हैं भैया कितना पराठा खा गए। कोई बात नहीं, खाने वाला मतलब शुद्ध देसी घी में मेथी का पराठा बना, तो बना कैसा था भैया पहले ये बताइए। बहुत टेस्टी, एक नंबर पराठा, मजा आ गया खा के। कोई नहीं, अब अंबिकापुर भी अब हम पहुँचने वाले हैं, आज जल्दी पहुँच जाएंगे। पहुँच के फिर कार पार्क करके फिर चलते हैं चाय पीने, किसी का फोन आ रहा है। 8375 ये हो गया है चेक इन हमारा। और ये भैया बाहुबली बने हुए हैं दोनों हाथ में बैग उठा के, और मेरे हाथ में भैया के पराठे। आलू के पराठे नहीं, मेथी के पराठे। हाँ आ गए इधर, वही मिल आ गए हम होटल में। होटल ये भैया। तो गाइस अब टाइम हो गया है चाय पीने का, तो चलते हैं पहले जहाँ पे हम चाय पीते हैं वहाँ पे चाय पी के आते हैं। बढ़िया अच्छी चाय। डोर लॉक कर रहे हैं भैया, डोर लॉक, तो चलते हैं। तो ये आ गया हमारा आज रात का डिनर। जय हो, जय हो। प्रे करके फिर भोजन करते हैं। कोई नहीं, तो स्टार्ट करते हैं और इस व्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। और सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ कह रहे थे भैया, लाइक पसंद आने पर आप लाइक कीजिए, ना पसंद आने पर डिसलाइक कीजिए, लेकिन दोनों में से कोई एक तो करिए ही, और शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर से कर दें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों के प्यार से ही हम और भी आगे कंटेंट लेते आएंगे, बढ़िया कंटेंट लेके आएंगे और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे हमेशा। और चलते हैं, शुरू करते हैं। गुड नाइट गाइस। तो भैया टाइम हो रहा है 9:48, मतलब 10 बजने वाले हैं और हम चाय पी रहे हैं यहाँ पे। तो ये ब्लॉग तो हम कर चुके हैं एंड, लेकिन इसको भी डालूंगा मैं एंड के बाद वाला सीन, बिहाइंड द सीन्स। वैसे गुड नाइट कर चुका हूँ मैं गाइस को। गाइस चाय बहुत जरूरी है ठंड में, ठंड में काफ़ी ठंड पड़ रही है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ही पीजिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ लेकिन पीजिए तो अच्छा ही है। हाँ बिल्कुल, चाय अच्छी है इसकी। कोई नहीं, फिर से बोल देते हैं गुड नाइट। गुड नाइट गाइस।